और किस तरह से आपको बात करना है, कैसे आना है दोहा कतर या सऊदी या दुबई, कहीं पर भी जाना है तो किस तरह से फर्स्ट टाइम में बात करके आप आएंगे तो यहाँ पर काम कर पाएंगे, और इस तरह से बात आप करके नहीं आएंगे तो आपको इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ से आए हो वहीं फिर भेज दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और ये स्टेप अगर आप फॉलो कर लिए तो आपको कोई भेज नहीं सकता है, आप यहाँ पर आसानी से काम करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। मैं भी आया था फर्स्ट टाइम, तो मैं भी यही किया, और यहाँ पर जब आया तो मैं ये सब चीज़ देखा और जाना, तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, अगर ये वीडियो आप मिस करेंगे तो आप अगर आने वाले हैं सऊदी दुबई कतर तो आपको परेशानी हो सकता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपका दोस्त आपका हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस, अभी इस वक्त मैं दोहा कतर में हूँ और सिलाई करता हूँ, आप लोग तो जानते ही हो बखूबी। और मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इंडिया में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो और सिलाई करते हैं, और आप सोचते हैं कि भाई मैं कतर जाऊँगा या सऊदी जाऊँगा तो मैं क्या सिलाई कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि इंडिया में या नेपाल में शर्ट बनाते हैं, कोई पैंट बनाता है, कोई ऑर्डर दुकान पे काम करता है जो कि साया, ब्लाउज और सलवार सूट ये सब बनाता है। तो मैं भी पहले इंडिया में था, तो दिल्ली में काम किया हूँ, मुंबई में काम किया हूँ, उसके बाद यहाँ पर आया हूँ तो सीखा हूँ। तो यहाँ पर भी आप अगर आएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप आते ही फटाफट आप काम करने लगेंगे। हाँ, 2-4 दिन 10 दिन तो लगेगा ही, और जब आप सीख जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। और आप लोग ये सोचते हैं कि क्या इंडिया में जैसा दिल्ली में या मुंबई में कंपनी होता है शर्ट का, और चैन सिस्टम काम होता है, फ्रॉक हो गया या अनारकली हो गया या जीन्स हो गया या टी शर्ट हो गया या होजरी का काम हो गया, जिस तरह इंडिया में, दिल्ली में या मुंबई में या नेपाल में या बांग्लादेश में काम होता है, क्या उसी तरह यहाँ पर भी काम होता है? तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर बड़ा बड़ा कंपनी नहीं है, जैसा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में चैन सिस्टम काम होता है, बड़ा बड़ा कंपनी होता है, 1000-1500 मशीन रहता है, उस तरह से यहाँ पर मशीन नहीं रहता है। यहाँ पर जो भी काम होता है ऑर्डर पे काम होता है, मतलब कस्टमर आएगा, उसका नाप लेगा, जो बोलेगा उसको सिल करके दिया जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर काम होता है। और दुकान होता है, मतलब जैसे अपने इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में जैसे दुकान होता है ऑर्डर का, सिलाई का, जैसे 1, 2 मशीन, 4 मशीन, 5 मशीन, 10 मशीन डाल के ऑर्डर पे काम करते हैं, कस्टमर आते हैं, नाप दे करके जाते हैं, कपड़ा दे करके जाते हैं, या कपड़ा दुकान का रहता है, तो उस तरह से यहाँ पर भी ऑर्डर पे काम होता है। ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी नहीं है, आप लोग सोच के आएंगे कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर शर्ट बनाने के लिए मिलेगा या अनारकली बनाने के मिलेगा या सलवार सूट बनाने के लिए मिलेगा या पैंट वेंट बनाने के लिए मिलेगा, तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, चैन सिस्टम यहाँ पर काम नहीं होता है। तो आप लोग ये सोच कर मत आइए, क्योंकि ये सोच करके आएंगे तो आपको परेशानी हो सकता है। आप ये सोच के आइए कि आपको कुछ भी मिलेगा तो आपको 2-4-10 दिन लगेगा, आप सीख जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ है कि आप जब भी वीज़ा लो तो एक चीज़ का बरोबर ध्यान रखो कि आप अगर सिलाई करने के लिए दोहा कतर में या सऊदी में या दुबई में या कुवैत में कहीं पर भी जा रहे हैं आप, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप सिलाई करने के लिए आ रहे हैं, कटिंग नहीं करना है। और ज़्यादातर जो सिलाई करते हैं लोग वो कटिंग नहीं करते हैं, कटिंग करके दूसरा कोई देता है, सिलने वाला कोई दूसरा रहता है। तो आप लोग इस बात को पूछ लीजिए, पता कर लीजिए और बोल दीजिए कि भाई मैं सिर्फ सिलाई करता हूँ, कटिंग नहीं कर पाता हूँ। अगर कटिंग करते हैं तो उसको बोलिए कि मैं कटिंग करता हूँ, क्योंकि आप अगर नहीं पूछेंगे तो आप वीज़ा लगा करके आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पता चलेगा कि कटिंग भी करना है, सिलना भी है, तो फिर आपको दिक्कत होगा और आप कर नहीं पाएंगे। तो ये सब बात करके पूरा क्लियर आओ, और यहाँ पर चैन वन सिस्टम काम नहीं होता है। आप अगर इंडिया में हो, नेपाल में हो या बांग्लादेश में हो, आप सिलाई कर रहे हो बस इतना काफ़ी है। आप सिलाई नहीं कर पाओगे ये दिमाग में आप बैठा लेते हो, वहाँ जाऊँगा तो मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा मेरे साथ, तो ये सब भरम मत रहो। कोई भी आता है तो यहाँ पर सीखता है, ये नहीं है कि हर कोई आता है तो वहाँ के बारे में, यहाँ का तजुर्बा हर किसी को मालूम है। जब भी नया आदमी यहाँ पर आएगा तो ज़रूर थोड़ा बहुत सीखेगा, उसको पता नहीं रहता है कि यहाँ पर किस तरह सिलाई करना है, क्या बनता है, क्या लोग यहाँ पर पहनते हैं। तो आप भी आओगे तो सीख जाओ धीरे धीरे। आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद कमेंट करेंगे भाई वीज़ा कहाँ से मिलेगा, तो मैं बता दूँ कि वीज़ा जो है मैं अपने चैनल पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूँ, आप लोग जाके हमारे चैनल पर आप लोग उस वीडियो को देखिए। दिल्ली का भी मैं एड्रेस और नंबर भी बताया हूँ और मुंबई का भी एड्रेस और नंबर बताया हूँ, तो आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हैं, उस ऑफिस में अगर वीज़ा रहेगा तो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता है फिर किसी नए ब्लॉग में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।